किंगस्टन ओवल बारबाडोस में शुरू हुआ भारत और वेस्टइंडीज के बीच पहला वनडे मुकाबला इन 11 खिलाड़ियों के साथ उतर रही है दोनों टीमें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। भारत और वेस्टइंडीज के बीच पहले वनडे मुकाबले के लिए दोनों टीमों की प्लेइंग 11 का ऐलान हो चुका है, तो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि आखिरकार भारत और वेस्टइंडीज किन 11 खिलाड़ियों के साथ मैदान पर उतर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आप भी चाहते हैं कि भारतीय टीम इस मुकाबले में शानदार परफॉर्मेंस करके इस मुकाबले को जीते, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ ही साथ अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलिए दोस्तों, हम जानते हैं सबसे पहले वेस्ट इंडीज़ की टीम के बारे में कि आखिरकार वेस्ट इंडीज़ की टीम किन 11 खिलाड़ियों के साथ मैदान पर उतर रही है। तो दोस्तों, वेस्ट इंडीज़ की टीम में भी कई खतरनाक खिलाड़ी मौजूद हैं जो काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस करके दिखा सकते हैं, खासकर कि इस टीम के कप्तान साई होप से तो उम्मीदें रहेगी ही। इसके अलावा इस टीम की तरफ से काइल मायर्स, ब्रेंडन किंग, सिमरन हेटमायर जैसे खिलाड़ियों से भी बेहतर परफॉर्मेंस की उम्मीद वेस्ट इंडीज़ की टीम को होगी। वहीं पर दोस्तों, वेस्ट इंडीज़ टीम की तरफ से इस मुकाबले में पारी की शुरुआत करते हुए नजर आएंगे ब्रेंडन किंग, तो उनके साथ होंगे काइल मायर्स। दोनों खिलाड़ी काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस कर सकते हैं। इसके बाद नंबर 3 पर केसी कार्टे उतरेंगे, तो नंबर 4 पर साई होप खेलते हुए नजर आने वाले हैं, जबकि नंबर 5 पर सिमरन हेटमायर उतरेंगे, तो नंबर 6 पर इस टीम की तरफ से एलिक एथेंजे उतरेंगे, जबकि नंबर 7 पर रोमैन पावेल उतरेंगे, तो नंबर 8 पर रोमारियो सेपट दिखने वाले हैं, नंबर 9 पर यानिक करया उतरेंगे, तो नंबर 10 पर डोमिनिक डार्केस और नंबर 11 पर अलजारी जोसेफ दिखेंगे। यानी कि दोस्तों, बल्लेबाजी से लेकर गेंदबाजी की बात की जाए तो फिलहाल टीम तो काफ़ी शानदार नज़र आ रही है, लेकिन ज़रूरत है इन खिलाड़ियों को अपना इंटेंट दिखाने की, और अगर बेहतर परफॉर्मेंस करते हैं तो इस टीम की तरफ से यहाँ पर कमाल का परफॉर्मेंस भी हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन खासकर सबकी निगाहें एक बार फिर रोमैन पावेल, एथेंजे और उनके साथ सिमरन हेटमायर, साई होप के ऊपर रहने वाली हैं। इसके अलावा पिछले कुछ समय से काइल मायर्स ने सभी को प्रभावित किया है, तो वह भी शानदार परफॉर्मेंस करके दिखा सकते हैं। वहीं पर दोस्तों, दूसरी तरफ अब हम बात करते हैं टीम इंडिया की। तो दोस्तों, टीम इंडिया के कप्तान रोहित ने भी अपनी टीम में कई शानदार खिलाड़ियों को जगह दी है। हम बात करें यहाँ पर दोस्तों टीम इंडिया की ओपनिंग जोड़ी की, तो एक बार फिर रोहित के साथ शुभमन गिल ही हमें टीम इंडिया के लिए पारी की शुरुआत करते हुए दिखेंगे। इन दोनों खिलाड़ियों से काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस की उम्मीद होगी। तो वहीं पर इसके बाद नंबर 3 पर रन मशीन विराट कोहली हमें खेलते हुए नजर आएंगे। विराट के परफॉर्मेंस की बात की जाए तो पिछले कुछ समय से परफॉर्मेंस कमाल का रहा है, तो यहाँ पर भी कमाल कर सकते हैं, तो विराट से एक बड़े शतक की उम्मीद जरूर की जा सकती है। वहीं पर इसके बाद दोस्तों, नंबर 4 पर टीम इंडिया की तरफ से ईशान किशन को मौका मिलने वाला है। ईशान किशन भी बेहतरीन बल्लेबाजी कर सकते हैं। तो वहीं पर नंबर 5 पर संजू सैमसन को भी जगह मिलेगी, यानी कि सूर्य कुमार यादव को टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में जगह नहीं मिलेगी, जबकि उनकी जगह पर संजू सैमसन खेलते हुए नजर आएंगे। इसके बाद दोस्तों, नंबर 6 पर हार्दिक पांड्या हमें खेलते हुए नजर आएंगे, जो कि टीम इंडिया के लिए बेहतरीन फिनिशर का रोल भी निभा सकते हैं, तो साथ ही शानदार ऑलराउंडर परफॉर्मेंस की उम्मीद इनसे होगी। तो वहीं पर इसके बाद नंबर 7 पर हमें रविंद्र जडेजा खेलते हुए नजर आएंगे। जड्डू के परफॉर्मेंस की बात करें तो वह भी कमाल का रहा है, तो एक बार फिर दमदार ऑलराउंडर परफॉर्मेंस करते हुए नजर आएंगे। इसके बाद दोस्तों, नंबर 8 की हम बात करें तो यहाँ पर हमें शार्दुल ठाकुर दिखेंगे, जो कि कमाल का परफॉर्मेंस कर सकते हैं। तो वहीं पर नंबर 9 पर कुलदीप यादव दिखेंगे, जबकि नंबर 10 पर उमरान मलिक को टीम इंडिया की तरफ से मौका मिलेगा, जो कि पेस अटैक में भारतीय टीम के लिए शानदार परफॉर्मेंस कर सकते हैं। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों, नंबर 11 की बात करें तो यहाँ पर मोहम्मद सिराज उतरेंगे, यानी कि भारतीय टीम को देखा जाए तो काफ़ी शानदार नजर आ रही है। वहीं पर दोस्तों, आप इस मुकाबले को जियो सिनेमा पर लाइव देख सकेंगे। तो दोस्तों, क्या लगता है कौन सी टीम जीतेगी, हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दें। धन्यवाद।